हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। आज लॉकडाउन पर बड़े फैसले का दिन है। सारे देश की निगाहें इस पर लगी हुई है कि 3 मई के बाद का एक्शन प्लान क्या होगा। क्या प्रधानमंत्री मोदी और राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में इस सवाल का जवाब आएगा कि 3 मई के बाद क्या 3 मई के बाद लॉकडाउन में ढील होगी या फिर लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया जाएगा। एबीपी न्यूज आज इसी बड़ी कवरेज के साथ आपके सामने मैं हाजिर हुई हूं और हमारे साथ तमाम सहयोगी भी मेरे जुड़े हुए हैं। दिल्ली से अगर हम बात करें तो नीरज पांडे, जगविंदर पटियाल पंजाब से हमसे जुड़ेंगे। हम तमाम राज्यों से मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ेंगे, हम आपको अपडेट देंगे। फिलहाल आप ये आंकड़ा देखिए, 27,892 मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। हालांकि स्थिति खराब नहीं है लेकिन नियंत्रण में भी नहीं है। 872 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं कोरोना के चलते। ठीक भी बहुत लोग हुए हैं। देखिए ये आंकड़ा भी बहुत बड़ा है, 6,185 लोग कोरोना संक्रमण के बाद उपचार कराने के बाद ठीक हुए हैं। तो चलिए फटाफट अब हम आपको अपने जो हॉटस्पॉट्स हमारे देश में हैं, जहां पर कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा है, वो दिखा देते हैं। ये देखिए, महाराष्ट्र में कुल 8,068 मामले सामने आ चुके हैं, 342 लोगों की जान चली गई है। महाराष्ट्र में स्थिति सबसे ज्यादा चिंताजनक है। दिल्ली की अगर बात करें तो 2,918 54 मौत हो चुकी है। देश की राजधानी है, सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र के बाद अगर कहीं सामने आ रहे हैं तो वो दिल्ली में सामने आ रहे हैं। हालांकि तमाम प्रिकॉशंस, हॉटस्पॉट्स, कंटेनमेंट जोन सब बनाए गए हैं लेकिन उसके बाद भी गुजरात की बात कर लीजिए तो 3,351 लोगों की जान चली गई है। सूरत और अहमदाबाद में स्थिति काफी चिंताजनक है। मध्य प्रदेश की बात करें तो 2,096 103 लोगों की जान चली गई है। लेकिन यहां पर हम आपको बता दें कि इंदौर से अच्छी खबर यह है कि पिछले 24 घंटे में 12 मरीज ठीक हुए हैं। तमिलनाडु की अगर बात करें तो 1,885 मामले सामने आ चुके हैं, 24 मौत हो चुकी है। बड़ी खबर इसी बीच आपको बता दें, मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है, कोरोना के हालात पर चर्चा होगी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ। जैसा कि लगातार हम आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करने वाले हैं और इस बैठक में आगे की रूपरेखा तय की जाएगी कि लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया जाए और अगर खोला जाए तो किन शर्तों के साथ खोला जाए। ये देखिए ट्वीट, प्रधानमंत्री मोदी राज्यों के मुख्यमंत्री से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। ये बातचीत कोरोना के हालात पर होगी। ये पीएमओ का ट्वीट है जो इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। नीरज पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और ये जो बैठक होने जा रही है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच, उसको कवर करने के लिए नीरज पांडे पैनी नजर बनाए हुए हैं। नीरज पांडे, क्या अपडेट, कितनी देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी और क्या आपके पास खबरें निकलकर सामने आ रही हैं? शोभना, मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री जब भी कोई निर्णय लेते हैं तो वो चर्चा करके ही निर्णय लेते हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के बीच की जो बैठक है, आज ये जो शुरू होने वाली है चौथी बैठक है। इससे पहले 20 मार्च को और 2 अप्रैल और 11 अप्रैल को ऐसी ही 3 बैठकें हो चुकी हैं। जब भी वो बैठक करते हैं, बैठक करने के बाद जो सामूहिक रूप से चर्चा होती है उसके बाद वो फैसला लेते हैं। और प्रधानमंत्री ने जो पिछली बैठक में कहा था वो साफ कहा था कि मैं 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध हूँ, फोन पर भी उपलब्ध हूँ, आप जब चाहें, जो चाहें, जैसे चाहें आप मुझसे बात कर सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि लॉकडाउन बढ़ाने का जो निर्णय था वो सामूहिक निर्णय था, सब लोगों से चर्चा करने के बाद ही लिया गया था। आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी मुख्यमंत्रियों से राज्यों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। राज्यों में लॉकडाउन का क्या असर है, सप्लाई चेन की क्या पोजीशन है, अगर लॉकडाउन बढ़ाया जाए तो किस शर्तों के साथ बढ़ाया जाए, अगर लॉकडाउन खत्म किया जाए तो उसके क्या परिणाम होंगे, इन सभी विषयों पर चर्चा करने के बाद ही कोई निर्णय लेंगे। फिलहाल बैठक शुरू हो चुकी है, चूंकि 10 बज चुके हैं बैठक शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री चूंकि समय के बड़े पक्के हैं और इस बैठक में सभी मुख्यमंत्री मौजूद हैं तो ये बैठक शुरू हो चुकी है और इस बैठक के बाद थोड़ी देर बाद पता चलेगा कि क्या क्या बातें हुई, क्या क्या निर्णय लिए गए। लेकिन इतना तय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या कोई भी मुख्यमंत्री इतनी जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेगा। आज बहुत विस्तार से चर्चा होगी, उसके बाद अगले 1-2 दिन समीक्षा बैठक होगी और फिर निर्णय लिया जाएगा कि 3 मई के बाद लॉकडाउन को एक्सटेंड किया जाए, नहीं किया जाए, या कुछ शर्तों के साथ थोड़ी ढील दी जाए। इन सब विषयों पर चर्चा, इन सब विषयों पर निर्णय होगा। लेकिन इतना तय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री चाहते हैं कि देश में कोरोना जैसे गंभीर बीमारी
बात पूरी कर लीजिए अपनी। जी शोभना, कोरोना जैसी जो गंभीर बीमारी है शोभना, उसको जड़ से समाप्त किया जाए, उस पर काबू किया जाए, ये इन सबका मत है। ठीक है नीरज पांडे, आप नजर बना के रखिए क्योंकि आप इस बैठक को कवर कर रहे हैं। जैसे कोई अपडेट होगा मैं फिर आपका रुख करूंगी। फिलहाल चंडीगढ़ में हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल मौजूद है। जगविंदर, पंजाब सरकार का क्या मत है, क्या लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाना चाहिए, और अगर खोलने की बात करती है पंजाब सरकार तो क्या आज सजेशन आ सकते हैं सामने? देखिए, मुझे लगता है कि जो राज्य की मौजूदा हालत है उसे देखते हुए अमरिंदर सिंह इसे चरणबद्ध तरीके से खोलने के पक्ष में होंगे, और इसके लिए अमरिंदर सिंह ने बकायदा एक कमेटी भी बनाई है जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं मोंटेक सिंह आलूवालिया, जो कि कभी प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह की टीम में हुआ करते थे। दूसरी बात यह है कि राज्यों को एक बड़े स्तर पर घाटा हो रहा है। अगर अमरिंदर सिंह के पिछले कुछ बयानों को हम मोटा मोटी तौर पर देखें तो राज्य में तकरीबन बिजली के लिहाज से ही पिछले एक महीने में 800 करोड़ का घाटा हुआ, और वो 300 करोड़ का एक बेलआउट पैकेज मांग रहे हैं अमरिंदर सिंह, और प्रधानमंत्री पर लगातार पंजाब की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है कि पंजाब को पैसा दिया जाए, क्योंकि पंजाब में पैसे की कमी और मेडिकल इक्विपमेंट्स की कमी सबसे बड़ा कारण बन गई है। और मुझे लगता है कि यही हालात चलते रहे और उद्योग धंधे नहीं खोले, अगर थोड़ा सा पटरी पर नहीं आया काम, तो अगली बार कर्मचारियों को तनख्वाह देने के भी शोभना पैसे नहीं होंगे। तो अमरिंदर सिंह ज्यादा पिच करेंगे, ज्यादा बात को आगे बढ़ाएंगे पैसे को लेकर, उनको पैसे की बहुत सख्त जरूरत है। दूसरा, जहां तक बात रही मेडिकल किट्स की, मेडिकल किट्स बहुत कम आई हैं, जबकि टेस्ट करीब 10,000 हो पाए हैं। 10,000 टेस्ट बहुत कम है अगर 2.5 करोड़ की आबादी को हम देखें तो उस हिसाब से, तो 10,000 टेस्ट के लिहाज से इनको ज्यादा से ज्यादा किट्स चाहिए होंगी, ज्यादा से ज्यादा लैब्स चाहिए होंगे, इस बात को हॉटस्पॉट के वो बताते हुए, और 3 जिले ऐसे हैं जो बड़े हॉटस्पॉट बने हुए हैं अभी, पटियाला है, मोहाली है, जालंधर है, इन 3 जिलों का पक्ष रखते हुए अमरिंदर सिंह मेडिकल इक्विपमेंट और सेफ्टी गियर्स की बात करेंगे। बाकी 3-4 राज्य ऐसे हैं जो ग्रीन जोन में है, 3-4 जिले ऐसे हैं राज्य के जो ग्रीन जोन में है, लेकिन उद्योग धंधों वालों की सबसे बड़ी चिंता यह है कि अगर इसे चरणबद्ध तरीके से नहीं खोला गया तो लेबर का बहुत बड़ा क्राइसिस हो जाएगा, लेबर वापस नहीं आएगी, और जो MNC कंपनियों के ऑर्डर हैं वो कहीं वियतनाम, चाइना और दक्षिण अफ्रीका में ना चले जाएं, जहां पर फेज मैनर में ये उद्योग धंधे खुल रहे हैं। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए अमरिंदर सिंह किस तरह से राज्य की आर्थिक व्यवस्था को लॉकडाउन के साथ साथ पटरी पर लाना है, इस बात को लेकर प्रधानमंत्री से बातचीत करेंगे। ठीक है जगविंदर, आप बने रहिए हमारे साथ। मैं रौनक पटेल का रुख कर लेती हूँ, अहमदाबाद से जुड़ रहे हैं मेरे साथ रौनक पटेल। गुजरात में लगातार ये मामले बढ़ते जा रहे हैं, हालांकि स्थिति बिगड़ी नहीं है लेकिन नियंत्रण में भी नहीं है। शायद रौनक हमारे साथ अभी जुड़ नहीं पाए हैं। जितेंद्र दीक्षित का मैं रुख कर लेती हूँ, मुंबई में जितेंद्र दीक्षित मौजूद है। जितेंद्र दीक्षित, महाराष्ट्र में स्थिति बेकाबू होती हुई नजर आ रही है, महाराष्ट्र सरकार क्या पक्ष रख सकती है प्रधानमंत्री के सामने? क्या लॉकडाउन बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं महाराष्ट्र सरकार के पास? देखिए शोभना, एक बात तय है जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पीएम मोदी से कहने वाले हैं, और वो ये है कि जो बहुत बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र में माइग्रेंट लेबर्स हैं जो अलग अलग राज्यों से आए हैं, उत्तर प्रदेश से आए हैं, बिहार से आए हैं, पश्चिम बंगाल से आए हैं, और कई साउथ इंडियन राज्य हैं जैसे कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, इस तरह के कुल 8 राज्य ऐसे हैं जिनके की माइग्रेंट वर्कर्स जो है वो मुंबई में मौजूद हैं, और सरकारी आंकड़ा इनका 6.5 लाख का बता रहा है, लेकिन अनऑफिशियल तौर पर हमें ये पता चल रहा है कि इनकी तादाद और भी कहीं ज्यादा है। तो उद्धव ठाकरे ये चाहते हैं कि सरकार, केंद्र सरकार इंतजाम करे इन तमाम माइग्रेंट लेबर्स को यहां से निकालने के लिए, उनके नेटिव प्लेसेस में, उनके गांव में पहुंचाने के लिए, और इसके लिए पहले तो उन्होंने खत लिखकर ये कहा था कि विशेष ट्रेनें चलाई जाएं इन लोगों को निकालने के लिए, लेकिन उसके बाद में अब ये भी एक तरह से प्रस्ताव रखे जाने की गुंजाइश है कि ये लोग अपने अपने निजी वाहन से जो जाना चाहता है, खुद का अरेंजमेंट करके बसों के जरिए जो लोग निकलना चाहते हैं तो उनको निकालने की कोशिश की जाए, क्योंकि एक बड़ा दबाव इन माइग्रेंट लेबरर्स की वजह से सरकार के ऊपर है, इनके खान पान का इंतजाम, इनके ठहराने का इंतजाम, और दूसरी अहम बात यह है कि तमाम लेबर्स जो है स्लम इलाकों में रहते हैं जो कि हॉटस्पॉट्स में तब्दील हो चुके हैं। धारावी की बात करें, वर्ली की बात करें, वडाला की बात करें या मलाड की बात करें, इन तमाम इलाकों में इस तरह के माइग्रेंट लेबर्स रहते हैं, और अगर वहां से भीड़ कम होगी तो और बड़े पैमाने पर उस इलाके में टेस्टिंग की जा सकती है, और जो कंटेनमेंट जोन है इस वायरस को कंटेन करने का जो प्रयास है और पुख्ता तरीके से किया जा सकता है। शोभना बिल्कुल, जितेंद्र दीक्षित आप नजर बना के रखिए, जाहिर सी बात है महाराष्ट्र में जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं चिंता केंद्र सरकार को भी है और राज्य सरकार को भी। कल्पेश रावल अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कल्पेश, गुजरात में हालांकि ये नहीं कहा जाएगा कि स्थिति बहुत खराब है, लेकिन हाँ
थोड़ी सी दिक्कत तो बढ़ रही है क्योंकि जिस तेजी के साथ आंकड़े बढ़ रहे हैं, गुजरात सरकार का क्या पक्ष रहने वाला है प्रधानमंत्री से? बिल्कुल शोभना, अगर बात करें तो चार महानगर है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा केस सामने आ रहे हैं। करीब 80% केस है वो महानगरों से सामने आ रहे हैं, इसलिए सबसे बड़ी दिक्कत है कि कोरोना का संक्रमण इस इलाकों में कैसे रोका जाए। दूसरा जो चैलेंज है वो आर्थिक पटरी पर कारोबार की ट्रेन को भी लाना है। तो फिलहाल जो तीन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, पहले तो केंद्र सरकार की टीम भी यहाँ पर आई थी, उन्होंने भी रिव्यू किया है कि किस तरह से, क्योंकि करीब 313 लोगों की मौत हो चुकी है, 151 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 313 लोग ठीक होकर घर पे भी लौट चुके हैं। इसलिए लेकिन 3000 का आंकड़ा है वो चिंताजनक है। लेकिन आज जो चर्चा होने की बात है, ऐसा हो सकता है कि जो 80% के अलावा इलाके को बात करें तो बाकी के जो इलाके हैं, जो करीब 4 जिले ऐसे हैं कि जिसमें कोरोना का एक भी केस नहीं आया है और कुछ ज़िलों में अभी पिछले एक हफ्ते से भी कोरोना के केस सामने नहीं आ रहे, इसलिए उन इलाकों में कुछ शर्तों के आधार पर छूट देने की बात हो सकती है। हालांकि यहाँ पे एक अहम फैसला, कल्पेश से मेरा संपर्क टूट गया, और जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं, दिल्ली देश का तीसरा सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है। ताजा मामला अब जो सामने आया है वो मैक्स अस्पताल पटपड़गंज का सामने आया है, जहां डॉक्टर्स समेत 33 स्वास्थ्य कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अगर हम दिल्ली के रोहिणी इलाके की बात करें तो वहां बाबा साहब अंबेडकर अस्पताल में 29 नए मामले सामने आ गए हैं, यानी दिल्ली में कोरोना के 62 नए मामले हमारे सामने आ रहे हैं। 3 मई के बाद क्या होगा इस पर दिल्ली सरकार का कहना है कि फैसला केंद्र सरकार के फैसले के आधार पर ही होगा। अंजलि सिंह मेरी सहयोगी मुझसे जुड़ रही हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। अंजलि, आपसे ये जानना चाहेंगे कि लगातार दिल्ली में अब मैक्स पटपड़गंज से जो खबर सामने आई है स्वास्थ्य कर्मी और डॉक्टर्स के संक्रमित होने की, बहुत चिंताजनक खबर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री क्या डिमांड रख सकते हैं प्रधानमंत्री से आज? जी देखिए, बिल्कुल दिल्ली के लिए स्थिति चिंताजनक है, खासतौर से जहां स्वास्थ्य कर्मियों के अब इन्फेक्टेड होने की बात करें। कल ही बाबू जगजीवन राम अस्पताल है वहां पर 40 स्टाफ जो है, डॉक्टर नर्सेज और बाकी स्टाफ मिलाकर 40 लोग पॉजिटिव आए थे, और आज मैक्स हेल्थ केयर से ही ऐसी खबर आई और साथ ही अम्बेडकर अस्पताल से भी। अब कहीं ना कहीं जैसे पिछला एक हफ्ता रहा है, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने पिछली बार लॉकडाउन में कोई रियायत नहीं दी थी और ये कहा था कि एक हफ्ते की समीक्षा करेंगे, और अगर हम कल के आंकड़े छोड़ दें तो उससे बीता जो एक था वो काफी सही रहा दिल्ली के लिए। लेकिन अब आज दिक्कत ये हुई है कि पिछले 24 घंटे में 293 पॉजिटिव मामले आ गए हैं दिल्ली में एक साथ, तो ये बड़ी चिंता की बात है। और उसी आधार पर मुझे लगता है कि दिल्ली में जो मुख्यमंत्री हैं वो यही डिमांड करेंगे कि चरणबद्ध तरीके से ही इस लॉकडाउन को खोला जाए, क्योंकि दिल्ली में अभी लोकल स्प्रेड जो है वो है। ठीक है अंजलि, आप नजर बना के रखिए, जैसे कोई अपडेट होगा मैं फिर आपका रुख करूंगी। लगातार जो तमाम देश के हॉटस्पॉट्स है वहां से हम आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। ये मध्य प्रदेश का आंकड़ा आपके सामने, 2096 मामले कोरोना केसेस अभी तक सामने आ चुके हैं, मौत जो अभी तक हुई है वो 103 लोगों की हुई है। इंदौर सबसे ज्यादा चिंताजनक स्थिति में है, भोपाल में कोरोना के 277 मामले सामने आ चुके हैं। ब्रजेश राजपूत क्या पक्ष रख सकते हैं आज शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री से लॉकडाउन को लेकर? देखिए, यदि हम कल की बात करें तो कल दिन भर में 60 नए मामले सामने आए और 10 मौतें हुई हैं। और कल दोपहर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से हमारी कुछ अनौपचारिक मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि फिलहाल तो वो जो बड़े शहर हैं मध्य प्रदेश के, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, उज्जैन और धार, खरगोन, इन जिलों में तो छूट देने के बिल्कुल पक्ष में नहीं है, क्योंकि यहाँ लगातार तेजी से मामले सामने आ रहे हैं। तो उन्होंने इशारा किया कि हम इन शहरों में तो लॉकडाउन बढ़ाएंगे, इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में वो खोल चुके हैं, मगर उन्होंने साफ कहा कि जो कुछ होगा प्रधानमंत्री के मांग निर्देशन में जो वो संदेश देंगे उसी का आधार पर होगा, मगर हम बड़े शहरों में किसी तरह अभी छूट देने के पक्ष में नहीं है। हाँ, गाँव में जरूर गाँव के बाजार खोल दिए गए हैं, उसकी परमिशन दे दी गई है, मगर मुख्यमंत्री इस बात को लेकर बड़े चिंतित थे कि जिस तरीके से पूरा लॉकडाउन हुआ उससे रेवेन्यू कलेक्शन एकदम खत्म हो गया है, जो आगे के राज्य के लिए चिंता का विषय है, और जिस बात की चिंता जगविंदर पटेल भी कर रहे थे कि यदि रेवेन्यू नहीं आएगा तो सरकारें चलेंगी कैसे। यही चिंता सभी राज्यों की है, क्योंकि आर्थिक रूप से अब राज्य सरकारें दिक्कत में आ रही है।